हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक और न्यू वीडियो लेके आ गया हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी एप्लीकेशन लेके आऊँ जो कि आपके फ़ोन में होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जैसे कि मैं आप लोगों के लिए डेली का डेली ऐप देता रहता हूँ जो कि आप अपने फ़ोन पे इंस्टॉल करते रहते हो, तो आप अपने फ़ोन को कैसे वायरस से बचा सकते हो। तो दोस्तों, ये क्लीन मास्टर एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप काफ़ी अच्छे से अपने फ़ोन के वायरस को हटा सकते हो, चाहे भी कोई भी वायरस हो आप आसानी से इससे हटा सकते हो और अपना फ़ोन काफ़ी क्लीन कर सकते हो। इस ऐप से आपका फ़ोन काफ़ी स्मूथ चलने लगेगा, जैसे कि अगर आपका फ़ोन हैंग करता है या फिर कुछ भी करता है तो इस ऐप के माध्यम से आप काफ़ी अच्छे से फ़ोन चालू कर लोगे, क्योंकि दोस्तों ये मेड इन इंडिया ऐप है और ये दोस्तों काफ़ी अच्छा क्लीन ऐप है। ठीक दोस्तों, इसके 100 मिलियन डाउनलोड है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को मोबाइल स्क्रीन पे ले जाता हूँ और आप इसका यूज कैसे कर सकते हैं पूरा डिटेल आप लोगों को समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। तो दोस्तों, हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं एप्लीकेशन पे ओपन हो जाता हूँ। दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी क्लीन एप्लीकेशन है, तो इसमें मैं ओपन हो जाता हूँ। तो जैसे ही मैं इसमें ओपन होगा तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह ओपन होगा। ठीक दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले आपका स्पेस दिखाएगा और इधर साइड आपका जो भी यूज किए होंगे तो आपका इधर साइड दिखाएगा। ठीक दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे बूस्ट का ऑप्शन देगा, इसके बाद टिप्स का ऑप्शन देगा, इसके बाद मीडिया का ऑप्शन देगा और ऐप्स का ऑप्शन देगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों जब आप थ्री डॉट पे क्लिक करोगे तो इसमें आपके फाइल में ओपन हो जाएगा। ठीक दोस्तों, फाइल में जैसे कि अगर आपके मोबाइल में कोई भी ऐप्स हो तो ये आपको ऐप्स में ओपन कर देगा, यहाँ पे आपके फ़ोटोज़ पे ओपन कर देगा, ऑडियो पे ओपन कर देगा, वीडियो पे, फाइल पे। ठीक दोस्तों, आप एक ही क्लिक के माध्यम से यहाँ पर कर सकते हो। ठीक दोस्तों, यहाँ पे आप सेटिंग में भी आप सेटिंग कर सकते हो। ठीक दोस्तों, यहाँ पे रिमूव एड्स कर दोगे तो एड्स एक भी नहीं आएंगे। इसके बाद दोस्तों, जैसे ही आप नीचे आओगे यहाँ पे आपको थीम का ऑप्शन दे देगा। यहाँ पे दोस्तों आपको डार्क मिलता है, लाइट मिलता है और सिस्टम मिलता है, तो आप यहाँ पर डार्क थीम यूज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सिस्टम इन्फो मिल जाता है। ठीक दोस्तों, आप यहाँ पे सिस्टम इन्फो में आपका जो भी पासवर्ड, वाईफाई, ब्लूटूथ, जो भी आपका यहाँ पे डेटा होगा तो सिंपल आपका यहाँ पे शो करने लगेगा। ठीक दोस्तों, तो मैं यहाँ पे बैक आ जाता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपका जो भी स्टोरेज होगा, और तो यहाँ पे आपका स्टोरेज दिखाने लगेगा, जो आप यहाँ पे स्टोरेज यूज किए होंगे तो वे भी यहाँ पे पूरा डिटेल यहाँ पे दिखा देगा। ठीक दोस्तों, इसके बाद इसमें आपको फ़ोटो अपडेट मिल जाता है। ठीक दोस्तों, यहाँ पे आप अपनी फ़ोटोज़ को क्लीन कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम मिल जाते हैं, तो मैं दोस्तों आप लोगों को एक एक करके बता देता हूँ कि आप इसमें कैसे क्लीन कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको बूस्ट का ऑप्शन मिलता है, तो आप यहाँ पर बूस्ट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक ही क्लिक के माध्यम से बूस्ट हो जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा ऐड आ जाएगा, ऐड को आपको बैक कर देना है। बैक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्लीन हो चुका है। ठीक दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे टिप्स पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे चेकिंग होने लगेगी और आपका जो भी वायरस होगा वे हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये भी क्लीन हो चुका है, आपको यहाँ पे स्किप कर देना है। ठीक दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दे देगा, जो भी आपको ऐप अनइंस्टॉल करनी हो तो आप इधर से अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। ठीक दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मीडिया का ऑप्शन दे देगा, आप यहाँ पे मीडिया में भी क्लिक करके पूरा क्लीन कर सकते हो। जैसे कि अगर आपका कोई भी फ़ोटो हो या फोल्डर हो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लार्ज वीडियो हो आप यहाँ पे अपना फ़ोटो तो यहाँ पे क्लीन कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे ऐप्स को भी अनइंस्टॉल कर सकते हो, जो भी आपके ऐप्स पे हो। ठीक दोस्तों, जो आप इंस्टॉल किए हो तो आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो और यहाँ से आप बूस्टिंग भी कर पाओगे। ठीक है दोस्तों,
तो यहाँ पे कुछ इस तरह इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत सारे उसमें नहीं मिलेंगी, ठीक है दोस्तों, एप्लीकेशन पे, या तो आप ये कुछ नया यूज कर सकते हो इस ऐप में। और यहाँ पे आपको क्यू क्लीन मिल जाएगा, यानी आप यहाँ पे पूरे वायरस एक ही क्लिक में हटा सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे चेकिंग होने लगी है और ये चेकिंग हो चुकी है, तो आपको बैक आ जाना है, ठीक दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जैसे ही आप थ्री डॉट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे ऐप है तो आप ऐप के ऑप्शन पे खुल जाओगे, ठीक दोस्तों। तो आप यहाँ से अपना कोई भी ऐप अनइंस्टॉल कर सकते हो एक ही क्लिक से, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपके सिस्टम में जो भी ब्राउजर ऐप होंगे वे भी यहाँ से आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, कोई भी ऐप यहाँ से आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन देगा, आपको प्रोसेस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसेस पे क्लिक करोगे तो ये क्लीन कर देगा, ठीक है दोस्तों। आपको बैक आ जानी है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि वे एप्लीकेशन हट चुकी है एक ही क्लिक के माध्यम से। यहाँ पे ऐप का डाटा दिखेगा, जो भी आप ऐप के डाटा यूज करते होंगे आपको यहाँ पे ऐप का डाटा मिल जाएगा, ठीक दोस्तों। तो आप यहाँ पे ऐप के डाटा को भी क्लियर कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे फ़ोटोज़ का ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ पे अपनी पूरी फ़ोटोज़ हटा सकते हो एक ही क्लिक के माध्यम से, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपका आइडियो मिल जाएगा, आप यहाँ पे आइडियो भी हटा सकते हो, कोई भी एक वीडियो से आइडियो हटा सकते हो, और यहाँ पे वीडियो भी हटा सकते हो अपनी, ठीक है दोस्तों। जो भी वीडियो आप यहाँ पे रखे हो आप यहाँ पे हटा सकते हो, जैसे कि एक वीडियो तो मैं सिंपल इस पर क्लिक करूँगा और ये वीडियो डिलीट हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये काफ़ी अच्छी क्लीनर ऐप है, तो आप इसे यूज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये काफ़ी अच्छा स्मूथ ऐप बना देगा और आपके वायरस काफ़ी हट जाएंगे मोबाइल के, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों ये ऐप मेड इन इंडियन ऐप है, आप इसे यूज कर सकते हो अपने मोबाइल पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मोबाइल सिक्योरिटी, वायरस सिक्योरिटी, VPN, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको पूरा सिस्टम मिल रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, और आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही मैंने वायरस को छटाया तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा फ़ोन काफ़ी स्मूथ चलने लगा है। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, आप इसे एक बार जरूर यूज करके देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका फ़ोन कभी भी हैंग नहीं होगा, कभी भी कहीं भी फंसेगा नहीं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो